हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से आजाद प्रत्याशी कमल पठानिया अपने समर्थकों के साथ डोर टू डोर जाकर लोगों से मिल रहे हैं और अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। आजाद प्रत्याशी कमल पठानिया ने गसोता में जाकर लोगों से वोट मांगे। इस मौके पर पठानिया ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों से जनता दुखी है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र की जनता इस बार बदलाव का मन बना चुकी है और उन्हें लगता है कि उनका साथ लोग देंगे। आज हमने डोर टू डोर किया तो हमने पाया कि यहाँ के लोग जो हैं वो सही रूप में जो है वो इस बार ग्राम पंचायत के जो लोग हैं इन तीन पंचायतों के, इनका ये मानना है कि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से जो है कि एक आज़ाद उम्मीदवार ही ठीक रहेगा और लोग जो हैं वो हमें पूरा समर्थन दे रहे हैं। हम घर घर जाकर जो है लोगों की समस्याएँ सुनी और लोगों ने बताया कि हर बार जो नेता चुनाव लड़ने तो आते हैं, दूर दूर से बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बातें करने के बाद जो चुनाव जीत जाते हैं तो कोई नेता जो है वो गांव के बीच में नहीं आता है, तो इससे हमारी जो समस्याएं हैं गांव की वो हल नहीं हो पाएंगी। जिस तरह मैंने अपनी अपील में जो लिखा था कि हम अगर विधानसभा में आते हैं तो चुनाव जीत कर आते हैं तो हमारा जो पशु हैं गाय बैल और उनके लिए जो पशु आश्रम अस्पताल अपना पशुशाला बनाएंगे, वो लोगों को बात जो बड़े ज़ोर से भाई उन्होंने कहा कि किसी न किसी व्यक्ति ने इनके लिए जो कदम उठाया वो एक सराहनीय काम है। और अब इस सब बातों को सुनते हुए जो आपने हमें लिखा है अपने अपील में, हम इसकी जो है वो आपसे यही निवेदन करते हैं कि हम आपको वोट डालेंगे और आप जो है हमें हम किसानों को जो है इन जो जानवर आवारा घूम रहे हैं इनसे निजात दिलवाएंगे। तो मैं आज इन तीन पंचायतों में कार्य करते हुआ जो है जो आगे की पंचायतों में जा रहा हूँ, मैं डोर डोर से कर रहा हूँ, मैं बड़ा दिखावा नहीं करूँगा, ना ही हमारे पास आज़ाद उम्मीदवार के पास इतना धन होता है, लेकिन अगर लोगों को गांव के बीच मेरी बातें पसंद आई तो इस बार हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र 36 का जो चुनाव नतीजा है वो कुछ अलग ही आएगा। जय हिंद।